नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। इंडिया के साथ तकरार के बीच मालदीव ने चीन के प्रति प्यार दिखा है। बुधवार को द्वीप देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। वहां उनकी न सिर्फ चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से भेंट हुई, बल्कि दोनों मुल्कों ने पर्यटन सहयोग सहित 20 अहम समझौतों पर साइन किए। मालदीव के 3 मंत्रियों की आपत्तिजनक बयानबाजी से शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। देश में बॉयकॉट मालदीव शुरू हो गया है और कई लोगों ने मालदीव के लिए फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसिल करवा दी है। आम जनता से लेकर फिल्मी हस्तियां भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र के सपोर्ट में उतर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बिहार का दौरा कर सकते हैं। उनका बेतिया जाने का प्लान है और सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी का बेतिया के सुगोली में एक कार्यक्रम होगा, जहां वे बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। 26 जनवरी के कार्यक्रमों से जुड़ी तैयारियों के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गोवा दौरा टल गया है। अगले हफ्ते सीएम अरविंद केजरीवाल गोवा जाएंगे। 11 और 12 जनवरी के लिए आप संयोजक का गोवा दौरा प्रस्तावित था। तमिलनाडु की धर्मपुरी पुलिस ने 2 समूह के बीच धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में राज्य बीजेपी अध्यक्ष के अलामलाई के खिलाफ धर्मपुरी जिले के बोमबेड़ी पुलिस स्टेशन में धारा 153A 504 5052 के तहत मामला दर्ज किया है। कांग्रेस के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल न होने को लेकर बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राम हमारे आराध्य हैं। भगवान श्री राम भारत की पहचान है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है। इसलिए कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ी है। इसी बीच घने कोहरे के कारण देश के तमाम हिस्सों से दिल्ली आने वाली 24 ट्रेनें देरी से चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रीय चेतना को सशक्त करने वाले जय जवान जय किसान मंत्र के उद्घोषक भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सादा जीवन, उच्च विचार भाव को चरितार्थ करता उनका त्यागमन लोकनिष्ठ जीवन हम सभी के लिए पाते है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के कुतुबशाही मकबरे में 13 देशों के प्रतिनिधियों की रात्रि भोज के लिए मेजबानी की। इस कार्यक्रम में अमेरिका, ईरान, तुर्की, यूएई, यूके, जापान, थाईलैंड, जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और फिनलैंड के प्रतिनिधि शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना राजनीतिक दल बताए जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह सत्य में जयते हैं, सत्य की जीत हुई है, लोकशाही की जीत हुई है। लोकशाही में बहुमत का बहुत महत्व होता है और इसलिए आज स्पीकर ने जो फैसला सुनाया है वो लोकतंत्र की जीत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए उसे सनातन विरोधी बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस एंटी हिंदू है और कुछ दिनों में कांग्रेस खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज की तरफ से ये हमला इसलिए बोला गया है क्योंकि कांग्रेस ने अयोध्या जाने से इनकार किया है। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने वाले निखिल गुप्ता को जल्द राहत मिल सकती है। अमेरिकी अदालत ने निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर याचिका पर सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है। गुप्ता के वकीलों ने साजिश में उनके खिलाफ आरोपों से संबंधित सामग्री मांगी है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अयोध्या जाने वाले यात्रियों की सुविधा देने के लिए एक प्री ट्रेन चलाने का फैसला किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ही बीते दिनों 22 जनवरी को ड्राई डे भी घोषित किया है। संसद सुरक्षा चूक मामले में कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद है, जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण फॉरेंसिक लैब में मनोरंजन टी और सागर शर्मा का नार्को टेस्ट करवाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड से राहत नहीं मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने गुरुवार को इस बात के संकेत दिए हैं कि दिल्ली NCR में छा रहा कोहरा धीरे धीरे अब छटेगा। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका आज 3 साल की हो गई है। अनुष्का और विराट वामिका को मीडिया से दूर रखते हैं, लेकिन अक्सर उसके साथ सोशल मीडिया फोटोज शेयर करते हैं।
शाहरुख खान के लिए भले ही साल 2023 बेहद शानदार साबित हुआ हो, लेकिन पिछले कुछ साल उनके और उनके परिवार के लिए थोड़े मुश्किल वाले थे। हाल ही में शाहरुख खान ने अपने करियर और अपने परिवार के पूरे दौर को लेकर बात की। साथ ही सुपरस्टार ने बताया कि उस वक्त उन्होंने क्या करना बेहतर समझा। सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस हमेशा उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहते हैं। जब जब शाहरुख की फिल्में रिलीज होती हैं, उनके चाहने वालों के लिए जश्न का मौका होता है। डंकी रिलीज के बाद से लगातार चर्चा का हिस्सा बनी हुई है। दर्शक लगातार इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभास फिल्म सालार के रिलीज के बाद से लगातार लाइमलाइट का हिस्सा बने हुए हैं। सालार के चलते उनका करियर फिर से ट्रैक पर लौट आया है। सुपरस्टार और मेकर्स फिल्म को मिल रहे रिस्पांस से काफी खुश है। ऐसे में सालार लगातार रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। आमिर खान की बेटी आयरा खान और नुपुर शिखरे ने बीते दिन उदयपुर में अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में क्रिश्चियन रीति रिवाजों से शादी की है। वहीं इससे पहले कपल ने अपने शानदार प्री वेडिंग फंक्शन भी एंजॉय किए, जिनकी तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।